वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी और जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत यह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो, मल मास हो, तो वह 2/26 एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। एकादशी माता सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन एकादशी का जो भी जातक व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यह एकादशी का व्रत कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा एकादशी माता का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। विशेष करके जो जातक व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति चावल ग्रहण करते हैं, रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दसवीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दसवीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं आपका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के इस व्रत का समय के अनुसार फिर पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला होता है। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 6:24 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 7:45 और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार सुबह 5:31 से सुबह 8:24 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 2 सितंबर से ही हो रही है, तो इस दिन दशमी युक्त एकादशी है। शुद्ध एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी शुद्ध माना जाता है, तो 3 सितंबर 2021 को ही इस व्रत को किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।